वेलकम बैक टू माई चैनल और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू ऑफ स्ट्रेटनर विच इज फ्रॉम हेवल्स और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसीलिए मैं आजकल रिव्यू वीडियोस कर रही हूँ जो जो प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है मैं उनका रिव्यू वीडियोस कर रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे रिव्यू वीडियोस काफी ज्यादा कम थे तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब मैं काफी ज्यादा रिव्यू वीडियोस करूंगी पहले अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने काफी ज्यादा मेकअप वीडियोस की हुई है हॉल वीडियोस है मगर रिव्यू वीडियोस काफी कम थी तो इसीलिए अब मैंने सोचा कि जो जो प्रोडक्ट्स मेरे पास है और जो मुझे बहुत पसंद है उन सभी का मैं रिव्यू वीडियो बनाऊंगी और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हेयर स्ट्रेटनर जो कि है हेवल्स से इसका रिव्यू और ये कुछ ऐसा दिखता है ये अभी मैंने जुलाई के मंथ में लिया था फ्रॉम अमेज़न और मैंने इसको दो बार आई थिंक यूज किया है मैं ज्यादा अपने बालों पे हेयर स्ट्रेटनर यूज नहीं करती हूँ ना कर्लिंग रॉड या कुछ बहुत कम यूज करती हूँ तो मगर ये स्ट्रेटनर मुझे बहुत पसंद आया और इसीलिए आज मैं इसका रिव्यू वीडियो कर रही हूँ मुझे मिला था इस बॉक्स में ये आया था ये इसका बॉक्स है हेवल्स का और ये इसके ऊपर पूरा इन्होंने दिया हुआ है मेरा एड्रेस एंड एवरीथिंग सब कुछ इसके ऊपर और ये कवर मैं इसके ऊपर से हटा के आपको दिखाती हूँ इसका बॉक्स और ये इसका बॉक्स हेवल्स हेयर स्ट्रेटनर ये मैंने सिल्वर शेड में लिया है ओके पहले तो मैं इसके आपको सारे फीचर्स वगैरह पढ़ के बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 2695 रुपीज और मैंने इसको लिया था इन द मंथ ऑफ जुलाई और तब इस पे ऑफ चल रहा था इस पे ऑफ था तो मुझे ऑफ करके मिला 2150 रुपीज का लेकिन अभी मैंने चेक किया था अमेजोन पे इस पे 22% ऑफ चल रहा है और तब अभी आपको ये मिल सकता है 2090 रुपीज का अगर आप अभी चेक करेंगे तो और इसकी फ्री डिलीवरी है और इसमें जो इसके फीचर्स हैं वो सारे हैं द सुप्रीम प्रीमियम गोल्डन हेवल्स स्ट्रेटनर कम्स विद क्विक हीटिंग टेक्नोलॉजी एंड इंश्योर्स शाइनी एंड फ्रीजी विदाउट एनी डैमेज टाइटेनियम कोटेड प्लेट्स एडजस्टेबल टेम्परेचर सेटिंग्स 155 डिग्री सेल्सियस टू 230 डिग्री सेल्सियस एलईडी डिजिटल डिस्प्ले डिस्प्ले है इसका और ऑटो शट ऑफ आफ्टर 60 मिनट्स स्विच बेस्ड ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म फ्लोटिंग प्लेट्स और इसमें इसका इजी लॉक है और साथ में प्लस और माइनस के बटन्स हैं टू कंट्रोल द टेम्परेचर फ्रॉम 155 टू 230 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इसका 155 और 230 सेल्सियस तक का इसका है टेम्परेचर और आप इसको यहाँ पे बटन्स बने हैं इसका माइनस और प्लस इससे आप कम ज्यादा कर सकते हो टेम्परेचर जितना भी आपको चाहिए होगा और इसका ऑन का बटन और ऑफ का बटन यहाँ पे है और यहाँ पे इसका लॉक है ये इसका लॉक है ये खुल गया और ये यहाँ से लॉक से बंद हो जाता है और इसकी जो प्लेट्स हैं वो फ्लोटिंग है तो इस पे ज्यादा जब भी स्ट्रेटनर इस पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेटनिंग करते टाइम ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है जो इसकी प्लेट्स हैं वो खुद ही एडजस्ट करेंगी और अच्छे ढंग से बालों को स्ट्रेट करेंगी तो मैंने जो लिया था वो इसका इसमें दो शेड्स हैं एक गोल्डन है एक सिल्वर है तो मैंने इसका सिल्वर शेड लिया है और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी इसकी जो वायर है वो काफी लंबी है ये देखिए कितनी लंबी है काफी लंबी है इसकी वायर और काफी दूर तक भी ये जा सकता है अगर कोई दूर बैठा है तो अगर जैसे आपका मिरर थोड़ा दूर है तो आप मतलब इसको इजीली ऐसे यूज कर सकते हो क्योंकि इसकी वायर काफी ज्यादा लंबी है और इससे ये एक लूप सी बनी है इससे आप हैंग कर सकते हो इसको कहीं पे भी अगर आपने हैंग करना है तो मुझे फ्री सेफ्टी ग्लव भी मिला है लेकिन अभी मैंने इसको उतना मुझे मिला नहीं था वो सिर्फ इस फिंगर और या थंब के लिए ही है बस इतना अब मैं इसके साथ आपको अपने बाल स्ट्रेट करके दिखाऊंगी एक साइड से स्ट्रेट करके दिखाऊंगी ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि ये कितनी अच्छी स्ट्रेटनिंग करता है इसको सिर्फ 20 सेकंड का ही टाइम लगता है गर्म होने में हीटअप होने में और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो काफी जल्दी ये हीटअप हो जाता है ओके अब 20 सेकंड हो चुके हैं और 20 सेकंड से ज्यादा ही टाइम हो गया तो अब मैं अपने बालों को इससे स्ट्रेट करूंगी ये वाले बाल मैंने अपने हाथ पे क्लचर से पीछे कर लिए और मैं आपको अपने हाथ बालों को स्ट्रेट करके दिखाऊंगी काफी ज्यादा हीटअप हो गया है ऑलरेडी काफी हीट निकल रही है इसमें
ग्लव भी नहीं होगा, मैंने घूम कर दिया। तो मेरे पास थोड़े गीले हैं, उस वजह से थोड़ा इसमें से धुआं निकल रहा है। देखिए एक ही बार में कितने अच्छे से बाल स्ट्रेट कर दिए। एक और अच्छी बात है कि इसमें बाल आपके अटकेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं। मेरे पास पहले फिलिप्स का था और जब भी मैं उसे स्ट्रेटनिंग करती थी मेरे काफी बाल खींचते थे, वो प्लेट्स में कहीं आगे पीछे अटक जाते थे और काफी ज्यादा खींच जाते थे। तो लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आराम से बाल जो है वो स्ट्रेट होते हैं बिना खींचे। ये है मेरे बाल बिना स्ट्रेटनिंग के और ये है अभी स्ट्रेट किए हुए। और जो ज्यादा टाइम नहीं मिला, सिर्फ 10 मिनट्स लगे हैं और काफी अच्छा रिजल्ट है। आई लव दिस। और इसके साथ आप अपने बाल में कर्ल्स भी डाल सकते हैं। अभी मैं आपको अपने बाल में कर्ल्स डाल के बताऊंगी। यहाँ मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं और यहाँ पे मैं कर्ल्स डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यही एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत गर्म हो जाता है, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि बिना ग्लव्स के आप इसको बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। ग्लव्स बहुत जरूरी है। ये देखिए कितने अच्छे कर्ल्स पड़े हैं। कि प्लेट्स काफी ज्यादा पतली हैं जिसकी वजह से बालों में कर्ल्स पड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो फिलिप्स का था उसकी वो काफी ज्यादा चौड़ी थी जिसकी वजह से वो कर्ल्स डालने में प्रॉब्लम होती थी। मैंने 2-3 बार ट्राई किया था तो उससे नहीं पड़ते थे कर्ल्स, मगर इससे कर्ल्स भी बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा 2-in-1 है, ये इससे स्ट्रेटनिंग हो सकती है, इससे कर्ल्स भी बढ़ सकते हैं। सो गाइस ये था मेरा हैवेल्स स्ट्रेटनर का रिव्यू और आई होप ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो, आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो और साथ में ये वीडियो आपको यूजफुल भी लगा हो। और अगर लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक। और मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय।